बिहार हिंसा एक्सप्लेन्ड। आपको बता दें कि सासाराम में हिंदू संगठनों के द्वारा गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के कुछ ही देर बाद सहजवाल इलाके में नारे लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई और लोगों के साथ मारपीट की गई, जहां पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं झड़प के अगले दिन दूसरे पक्ष के लोग सड़कों पर उतर गए और देखते ही देखते सासाराम के बस्ती मोड़, चौखंडी, आदमखानी, सोनापट्टी आदि इलाकों में पथराव शुरू हो गया। पथराव के बाद झोपड़ी नुमा घरों में आग लगा दी गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इन सब के पीछे और क्यों कोई रामनवमी जैसे त्योहार पर ऐसे दंगे करवाने में लगे हुए हैं? क्या सच में इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। बस इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बिहार शरीफ और सासाराम दोनों शहर संवेदनशील माने जाते हैं और यहां पहले भी बड़े दंगे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि ये किसी की जानबूझकर की गई हरकत है। नीतीश कुमार ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन शायद इन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि यह सिर्फ पीड़ितों के नुकसान की बात नहीं बल्कि उनकी अपनी छवि का भी मामला है। उनके लिए दंगों को कंट्रोल करने के साथ साथ डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी बहुत कम समय बचा है। नीतीश की छवि सुशासन के लिए थी, लेकिन इस बार इस छवि को गहरा धक्का लगा है। जिस दिन उन्होंने दंगों को रोकने के बारे में बयान दिया, उसी दिन दोबारा बिहार शरीफ में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी जब से नीतीश कुमार के साथ सत्ता की साझेदारी से अलग हुई है, तब से बिहार में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की बात कही जा रही है। अभी की हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन दंगा प्रभावित जिले के पदाधिकारियों के तबादले की मांग उन्होंने नहीं की है। अभी की हिंसा उस समय भड़की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले थे। हिंसा के कारण ही उनका सासाराम का दौरा रद्द किया गया। हालांकि नवादा के हिसुआ में रविवार को उनका यह कार्यक्रम फिर से आयोजित किया गया। वहीं सासाराम में हुई हिंसा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार को घेरा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सासाराम में जो घटना घटित हुई उस पर सदन को सरकार को बताना चाहिए। सरकार अपराध पर मौन है। कुर्सी के लिए ये समझौता कर रहे हैं। सत्ता में इन बैठने वाले लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोग सत्ता में है, गृह विभाग इनके पास है, किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी कभी ऐसे लोगों को संरक्षित नहीं करती है। ये महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है, ये उन्हें पच नहीं रहा है। ये भटकाने के लिए ऐसा वातावरण बना रहे हैं, अपराध चरम पर है। वहीं इस मामले पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सासाराम में जो हुआ है, ये कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा सब कुछ किया है। चुनाव आया है तो दंगा फैलाकर फायदा लेना चाहते हैं लोग। इन सब में कुछ नहीं होने वाला, जानबूझकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। वैसे बिहार शरीफ शुरू से ही संवेदनशील रहा है। 1981 में भी बिहार शरीफ में उपद्रव हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हालांकि आधिकारिक आंकड़े 50 के मरने के ही हैं। सप्ताह भर उपद्रव चला था। बिहार शरीफ के उस दंगे की जांच IAS बालासुब्रमण्यम ने की थी। उन्होंने रिपोर्ट भी दी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। उस रिपोर्ट को न विधानसभा के पटल पर रखा गया और न उस पर अग्रेतर कोई कार्रवाई ही हुई। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं, उस हिंसा की जांच रबड़ तब की कांग्रेस सरकार ने दबा दी, क्योंकि वो रिपोर्ट कुछ अफसरों और सत्ताधारी नेताओं के प्रतिकूल थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद तब के मुख्य सचिव ने तत्संबंधी संचिका पर लिखा, चूंकि ये एक प्रशासनिक मामला है, आम जनता से इसका कोई संबंध नहीं, इसलिए इसे न तो प्रकाशित करने की जरूरत है और न इसे विधानसभा के पटल पर रखने की जरूरत है। बालासुब्रमण्यम ने दंगे के लिए जिम्मेदारी भी निर्धारित कर दी थी, साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए कुछ मूलभूत सुझाव भी दिए थे। मौजूदा राज्य सरकार चाहे तो उस रपट को सरकारी अलमारी से खोजकर उससे कुछ रोशनी प्राप्त कर सकती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सन 2000 में भी बिहार शरीफ में एक मूर्ति को स्थापित करने और हटाई जाने को लेकर दंगा हुआ था, लेकिन तब तत्कालीन राजद सरकार ने इस पर जल्द ही काबू कर लिया था। उस समय का मामला प्रशासन और मूर्ति स्थापित करने वालों के बीच का था। उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों को जला दिया गया था, लेकिन यह मामला बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। प्रशासन की मुस्तैदी का आलम यह था कि उस समय सेना की सेवा भी ली गई थी। इस बार नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया तो सामने आई है, हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार के बयान में ये बात तो झलक रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए जिस कठोर अंदाज की उनसे उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिली।
दोनों जगह पर दंगों का कारण वही पुराना माना जा रहा है। सासाराम के किनारा बाजार में भड़काऊ नारे लगाने की वीडियोग्राफी की गई और इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई से पहले ही अगले दिन सासाराम शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। पुलिस ने यहां कुछ हद तक जल्दी स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन बिहार शरीफ में शनिवार को भी दंगा जारी रहा। बिहार शरीफ में भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले हैदर आजम की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जला दी गई और वहां से सामान लूट लिया गया। जावेद आजम की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान में हुई लूट की सीसीटीवी भी सामने आई है। फुटेज में दिख रहा है कि कैसे उपद्रवी दुकान में घुसकर टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को लूट रहे हैं। दुकान में एक साथ 25-30 लड़के घुसते हैं। कोई लैपटॉप उठाता है तो कोई टीवी उखाड़ता है, कोई मोबाइल लूटता है तो कोई आईपैड। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा करने वालों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और करीब 3.5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान को लूट लिया। जावेद का भाई बीजेपी से जुड़ा है। उनकी दुकान का उद्घाटन बीजेपी नेता मंगल पांडे ने किया था। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके अलावा ऐतिहासिक अजीजिया मदरसा को भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई। पीड़ित ये आरोप लगा रहे हैं कि बार बार पुलिस को कॉल करने के बावजूद भी पुलिस ने ना तो कॉल रिसीव की और ना ही समय पर पुलिस बल भेजा। इतना ही नहीं, इसके अलावा बिहार शरीफ में धार्मिक स्थलों को जलाने और गोलीबारी की भी शिकायत मिली है। शुक्रवार की घटनाओं के बाद शनिवार को थोड़ा शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शनिवार की शाम से फिर दंगे भड़कने शुरू हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार शरीफ में पुलिस की मुस्तैदी में कमी के कारण ही दंगे समय पर नियंत्रित नहीं हो पाए। सन 2000 को गुजरे 23 साल हो गए, लेकिन बिहार शरीफ की संवेदनशीलता कम नहीं हुई। वहां सन 1981 में भी भयंकर सांप्रदायिक दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद भागलपुर के दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि भागलपुर के सांप्रदायिक हिंसा का संबंध रामनवमी से नहीं था, लेकिन अविभाजित बिहार के दो बड़े शहरों जमशेदपुर और हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर ही बड़े दंगे हुए थे। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि हाल के दिनों में रामनवमी को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने का चलन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम हो रहे हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब तक नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे तो बिहार में सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं कम ही हुई। इससे पहले 2018 में एक बड़ी घटना बिहार के दक्षिण जिले औरंगाबाद में हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी हिंसा की शिकायत नहीं मिली थी। उस समय हिंसा को इसलिए भी नियोजित मांगा गया था कि वहां ऑनलाइन तलवारें मंगाई गई थी। उस साल भी बड़े पैमाने पर आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ था। बिहार में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के मामले में लालू प्रसाद को चैंपियन माना जाता है। 2005 से पहले भी लालू रावड़ी के काल में छिटपुट सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन उसकी खास बात यह मानी जाती है कि उन्हें समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था। 2005 से लेकर 2013 तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी और उस दौरान भी सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं कम ही हुई थी। 2017 से 2022 तक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल हुई और सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या कम ही रही। इस बार का सांप्रदायिक तनाव नीतीश कुमार के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये बात सबको पता है कि ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी। एक तरफ उन्हें भारतीय जनता पार्टी से चुनौती मिलेगी तो दूसरी तरफ सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। यह मामला सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन का होगा। अगर समय रहते इन दंगों पर काबू न पाया गया तो यह नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह दंगा सच में आने वाले इलेक्शन की वजह से करवाया जा रहा है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।